होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव उसे मार सकेगा, ना ही पशु। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में भी नहीं जलेगी। अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।